हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गई इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहल होंगे या नहीं, आज पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। अदालत उज़्मा ने तवील समाअत के बाद 14 नवंबर को फैसला महफूज किया था। इमरान खान और जहांगीर तरीन का केस मिलता जुलता है, समाअत भी एक साथ हुई, क्या फैसला भी मिलता जुलता होगा? इस केस में भी JIT बनेगी या नहीं? कानूनी माहिरीन सियासी पंडितों समेत सबको बड़ी अदालत के बड़े फैसले का इंतजार। मुल्क में जमहूरियत पर बार बार शबखून मारा गया, निजाम की मजबूती के लिए जमहूरियत का तसलसल जरूरी है। पार्लियामेंट ने अरकान को जो इज्जत दी वो कोई और इदारा नहीं दे सकता। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कल स्पीकर आयाज सादिक ने अपने ही असेंबली के लिए, अपने ही पार्लियामेंट के लिए ये बात की कि ये हुकूमत मुझे अपनी मुद्दत पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही है। लगता है इंतखाबात वक्त पर नहीं होंगे, स्पीकर ने भी मेरी बात की तौसीक की। कोई अबूरी सेटअप आता हुआ दिखाई दे रहा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में हुदैरिया पेपर मिल्स केस खोलने से मुतालिक नैब की दरखास्त पर समाअत, हम रेफरेंस नहीं अपील सुन रहे हैं। इस हकदार को तो आपने फरीक ही नहीं बनाया, अपील दायर करने में ताखीर पर अदालत को मुतमईन करें। जस्टिस मुशीर आलम का नैब के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील मेमन की दरख्वास्त जमानत की जल्द समाअत की सदा मुस्तरद, नैब में मुलजमान बीमार हो जाते हैं, नैब करोड़ों रुपए रिकवर करती है, एक अच्छा अस्पताल बना ले। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स, कहा आजकल आने वाली मेडिकल रिपोर्ट्स पर अदालतें मोहतात हो चुकी हैं, समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, शेख रशीद को दावत नहीं दी गई। फाटा इस्लाहात से मुतालिक अमूर पर बातचीत, OIC इजलास और दीगर अमूर पर भी एतमाद में लिया जाएगा। फाटा इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन का कौमी असेंबली से आज फिर वॉकआउट, शेख रशीद कहते हैं हुकूमत फाटा इस्लाहात बिल पर टाल मटोल कर रही है, हुकूमत चाहती तो बिल मंजूर करा लेती। सजात केस में नैब लाहौर में चौधरी बरादरान पेश, एहतसाब ब्यूरो ने जायदाद का रिकॉर्ड तलब कर रखा है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा शाहिद पाशा दोबारा गिरफ्तार, शाहिद पाशा को स्टेडियम रोड से सादा लिबास में नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। मुल्तान में पीपल्स पार्टी का पावर शो, जियाले पिंडाल में तैयारियां करने में मसरूफ, बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हैदराबाद में महाजर कौमी मूवमेंट भी आज पहले जलसे के लिए तैयार। पढ़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना के शेख जैद अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल, डॉक्टर्स के तवज्जो ना देने और अद्वियात की अदम फराहमी का शिकवा। कसूर में पुलिस हिरासत के दौरान मुलजिम की हलाकत के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज, पुलिस ने कैदी की मौत की वजह हार्ट अटैक को करार दे दिया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 31 पैसे कमी, डॉलर 110.40 रुपए का हो गया, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम, कीमत 110.80 रुपए पर बरकरार। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम, 5.6% रहेगी। आलमी मालियाती फंड का कहना है स्टेट बैंक की जानिब से डॉलर की कीमत पर मुदाखलत ना करना खुश आइंद है, पाकिस्तान ने नए कर्जे की दरखास्त नहीं की।